I can easily say that we all became crazy people making this film. Really pagal ho gaye the hum ye film bana ke. Nahi, aapko liya hi isliye gaya tha. But I think aap log bhi pagal ho jayenge pyar mein ye film dekh kar. I hope that happens to you. I think yahan pe bade sare aise hi sawal hain jinke jawab wo log chahte hain aap logon se. So it's over to the media. Aap log apne sawal pooch sakte hain. इम्तियाज एंड एकता आपसे सवाल है आपके स्टेट में फिर से लैला मजनू एक बार फिर से क्यों और ट्रेजिक लव स्टोरी जब भी आई है और उसके साथ नए चेहरे लॉन्च हुए हैं तो कामयाब रही हैं फिल्में तो ये भी एक कारण है और क्या जहन में रहा और इन दोनों का सिलेक्शन कैसे किया कुछ साल पहले एक बहुत बोरिंग पिक्चर आई थी उसका नाम था तमाशा उसमें वो कहते हैं कि वही कहानी फिर एक बार मजनू ने लिए कपड़े फाड़ मार तमाशा बीच बाजार सम स्टोरीज लिव ऑन फॉर एवर जब हम पैदा नहीं हुए थे तो लैला मजनू चल रही थी लगता है कि हमारी इंतकाल के बाद भी वो चलेगी सो कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो कह रही होती है बार बार और उसी वजह से हमने फिर से हज़ार बार बनी है पहले और भी बनेगी हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी बनी है मगर कोई तो चीज़ होगी ना उस कहानी में कि वो बार बार बन रही है तो उसी को डिस्कवर करने के लिए हमने ऐसा किया था सो सारी फिल्में बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों के साथ थी हमारे तो न्यू कमर्स हैं इनके सर पे इतना बड़ा बोझ नहीं रखिए ये पिक्चर लोगों को पसंद आए गुड इनफ है It may not be the biggest hit of the year, but it's the most satisfying film I've made. So I'm very happy with that. Imtiaz ji. वो आती तो मैं वो बना लेता, but अभी यही आई है तो यही बनाया हूँ. बहुत suit करती है इस timeless classic है ये कहानी लैला मजनू की और वो जो चीज़ है वो आपको कश्मीर में भी देखने को मिलती है the timelessness. And the classicness of it. इम्तियाज़ जी इस फिल्म में ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी रहेगी हीरो के रोल में जैसे डर में शाहरुख खान ने किया था कुछ ऐसा कुछ है किरदार इनका When somebody becomes very passionate, पाजी वो थोड़ी बहुत वो डार्क होता है कि लाइट होता है पता नहीं बट बहुत इंटेंस होता है सो ऐसा नहीं है कि वो विलन बन जाता है बिकॉज कहानी तो वही है जो लैला और मजनू की कहानी है इनफैक्ट हमने बहुत ही होनहार तरीके से उसी कहानी को बनाने की कोशिश की है ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं मगर वो इंटेंसिटी ज़रूर है इम्तियाज़ जी आपके लेफ्ट में हाय आपका स्वागत है जी थैंक यू सो मच इम्तियाज़ जी जैसा कि एकता जी ने तो बताया कि उन्होंने इन बच्चों को क्यों लॉन्च किया लेकिन आपने जब इन्हें सबसे पहले देखा तो क्या जहन चल क्या आपके जहन में था और क्या कुछ रीज़न था देखिए हम चाहते थे कि जो जो फिल्म जब देखी जाए तो उसमें लोगों को लगे कि वो लैला और मजनू को देख रहे हैं उनकी कहानी देख रहे हैं तो इस वजह से हम न्यू कमर्स चाहते थे मगर बात यह है कि डेढ़ दो साल तक मेरे ख्याल से ऑडिशन चले और बहुत सारे लोगों को देखा गया और तृप्ति बहुत आखिर में आई मगर अविनाश जो थे वो शायद ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट गाय टू बी ऑडिशन एंड बी द सेमी फाइनलिस्ट सर बट मैंने 2016 में भी ऑडिशन दिया था ये स्टोरी किसी को नहीं पता रियली सो क्या उसमें आप रिजेक्ट हो गई थी ओके तृप्ति जी एंड अविनाश जी आप कुछ अपने बारे में बताइए कि मतलब कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हमने ट्रेलर तो देखा बहुत ही ब्यूटीफुल है तो कुछ थोड़ा बहुत देखिए ट्रेलर कैसा लगा बहुत ही वास्तविक तौर पे मतलब ट्रूथफुल ऑसम ओके थैंक यू हां जी देखिए जो ये कैरेक्टर है लैला का ये बहुत हटके है बहुत अलग है जब भी आप लैला मजनू के बारे में सोचते हैं तो लैला की एक अलग इमेज आती है आपके दिमाग में एटलीस्ट जब मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था तो मेरे दिमाग में लैला की कुछ और छवि थी मुझे लगा था कि लैला बहुत ही शर्मीली किस्म की बहुत ही सुलझी हुई लड़की होगी बट ऐसा नहीं है 2018 की लैला इज़ अ फ्लर्ट उसे मज़ा आता है अपने पीछे लड़के घुमाने में उसकी झलक आप लोगों ने देखी होगी
और उसे वो एक अपनी दुनिया में जी रही है, उसके दिमाग में एक अलग फिल्म चल रही है जिसकी वो हीरोइन है। उसको बस ज़िंदगी का मज़ा लेना है, कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती, शायद प्यार को भी उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। और उनमें से है जिन्हें शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता, और हाँ, चीज़ी फिल्मों का शौक़ है उसे, प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है उसे, बस ये चाहिए कि काश कोई एक बॉयफ्रेंड हो, काश कैसा लगता होगा जब किसी के साथ कोई लवर होता होगा, कैसा लगता होगा जब क्या बातें करते होंगे, ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा एक्साइट करती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी ये बहुत हटके है बाकी जो रियल लैला हमें लगता है उससे। अभी आप समझ गए होंगे कि इस लड़की को क्यों हमने चूज किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी आप बताइए, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी बताया कि अच्छा दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कितनी मेहनत, हाँ बोलो बोलो, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको अच्छा दिखने के लिए लैला जी को इम्प्रेस? अच्छा तो इसके ऊपर ये रख दिया गया था कि आपको अच्छा दिखना ही नहीं है, आपको बहुत ही जंगली दिखना है, कि मजनू जंगल में रहता है तो इसको बेचारे को पूरा ये था कि आप बदसूरत लगो, आप अच्छे क्यों दिख रहे हो, इसको दूसरी वाली प्रॉब्लम थी। सर इफ आई कैन ऐड टू दैट, मुझे नहीं लगता कि मजनू जितना अच्छा दिख रहा है उससे कभी मैं अच्छा दिखा हूँ। दैट्स द बेस्ट आई हैव लुक्ड इन माय लाइफ। सर इसमें मुझे पता नहीं आप ये जानते हैं नहीं, मजनू वॉज अ नेम गिवन टू हिम, वो कैस भट्ट हैं जिसका किरदार आपने शुरू में ट्रेलर में देखा, और कैस से मजनू का जो जर्नी है दैट इज़ वॉट यू विल सी इन द फिल्म। एंड कैस मुझे लगता है कि बहुत ही सीधा लड़का है, ही समवन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्ट। और जो आपने सवाल पूछा कि मैंने क्या मेहनत की, शक्ल, सर शक्ल तो ऊपर वाले ने ठीक ठाक दी है, डायरेक्टर साहब ने बोला कहने के लिए तो मैंने कह दिया, बट माय मॉम थिंक्स आई एम रियली गुड लुकिंग सर। हेलो, माय क्वेश्चन इज टू तृप्ति एंड अविनाश। ऐसा माना जाता है कि आउटसाइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, और जो लोग फिल्म में आना चाहते हैं उनके लिए भी टिप्स दीजिए कि हाउ एज एन आउटसाइडर दे कैन ब्रेक थ्रू द इंडस्ट्री। थैंक यू। आई थिंक द की वर्ड दैट आई हैव स्टेड विद इज फेथ, परसिवियरेंस। मेहनत तो हम सब करते हैं, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल आउट देयर, better looking, more talented, but the faith that you will make it one day is what drove me till this point. मैं भी in fact आने से पहले एक बात कह रहा था कि तुम हीरे हो, होगे, चमकोगे तभी जब रोशनी तुम पर पड़ेगी। So finally, when the light falls, sorry. The worst part is when you start doubting yourself, because there are people who will doubt you. Of course, they will have a certain perception about you. But I think the most important voice to hear is what you say to yourself, and having your own self-worth. That might sound cocky to some people, but that's very important because the world wants to pull you down or show you a mirror which you don't want to see. Har aadmi apni shakal darpan mein alag tarike se dekhta hai. Mujhe apni shakal bahut achhi lagti hai. Yeah, hi. फॉर मी मुझे ये लगता है कि अगर लाइफ में स्ट्रगल्स ना हो तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। तो जो भी कुछ मैंने किया इस यहाँ तक आने के लिए, मैं उसको एज अ स्ट्रगल काउंट ही नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है जो भी कुछ मैंने किया उसने मुझे एक बेहतर एक्टर बनाया है, बेहतर इंसान बनाया है। और हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? कितने साल स्ट्रगल किया? सर कुल मिला के 3, अभी छोटी हूँ थोड़ी, तो 3 साल किया। नथिंग एक्चुअली, मैंने बोला ना सब कुछ, जो भी मैंने फेस किया उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है, और बहुत जो भी कॉन्फिडेंस मुझे मिला है आज कैमरा फेस करने का, लोगों से मिलने का, वो उसी की वजह से मिला है। अगर शायद मैं उस प्रोसेस में नहीं घुसती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। कुछ लोगों की ऊपर वाला जल्दी सुन लेता है, ये उनमें से। थोड़ा समय हो गया, आई रियली डोंट नो द नंबर ऑफ इयर्स, बट आई बीन एक्टिंग फॉर सम टाइम नाउ, एंड टू गेट टू दिस पॉइंट आई रियली फील ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू एवरीवन। रियली मैम, व्हाट यू सेड व्हेन यू केम हियर ऑन स्टेज, आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, बट सीरियसली थैंक यू सो मच। थैंक यू। एकता जी, या हाय टू एकता जी, आप एकता मैम,
अगर एक चीज़ है जिसके आफ्टर परफॉर्मेंस इफ आई एम इफ मैं जिसमें कॉन्फिडेंट फील करता हूँ वो है म्यूज़िक हमारी फिल्म का. दो नए म्यूजिशंस हैं, शायद आपने एक का नाम सुना होगा, नीलाद्री कुमार जो सितार वादक हैं, और एक और हैं जॉय बरुआ. तो इन्होंने गाने दिए हैं हमारी फिल्म में एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉन्ग्स. एकता जी, सिंपल सा सवाल ये है कि लोग स्टार किड को लॉन्च करते हैं, उन्हें चांस देते हैं और उनके ऊपर पैसे लगाते हैं, तो आपने अपना रीज़न बताया, लेकिन कुछ बता सकते हैं आप कि लोग स्टार किड को लॉन्च करते हैं, उन्हें चांस देते हैं, लेकिन आपने इन्हें क्यों चांस दिया? बहुत सिंपल बात है, आपको पहले भी बताइए. हाँ जी, एक सिंपल बात लाइफ में मैंने सीखी है कि पहले से मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं थोड़ी पागल हूँ. सो वहाँ से हमने कहानी शुरू की. मुझे जब इम्तियाज़ सर ने कहानी सुनाई, मैंने ऑनेस्टली उस वक्त मेरे फाइनेंशियली बुरे टाइम चल रहे थे, बिकॉज मेरी दो फिल्में लीक हुई थी, मैंने बीच में फिल्म छोड़ भी दी थी, और मैंने शुरू करने के पहले जब मुझे मेरे मॉम ने ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप वीरे दी वेडिंग कर सकते हो, हम अगर पैसा होगा तो खुद का लगाएंगे, तो मैंने बोला एक और फिल्म है मुझे शुरू करनी है और वो है लैला मजनू. मैंने इम्तियाज़ सर को फ़ोन किया कि एंड ही वॉज इन अ बिट ऑफ अ शॉक, बिकॉज एक ऐसी फिल्म जो फाइनेंशियली वायबल पेपर पे नहीं हो वो आप क्यों करेंगे जब आपका फाइनेंशियल ख़राब टाइम चल रहा है. तो क्लियरली आप इसका जवाब था कि मुझे ये स्टोरी पसंद है और ज़िंदगी में मैंने जो भी किया है इसलिए किया क्योंकि यहाँ से आता है, और उसने मुझे बहुत दिया है, कभी कभी नहीं भी दिया है, बट मैंने जो भी गलतियाँ की हैं खुद की हैं, और मैं ऑल माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी अबाउट दैट. अगर मैंने ऑडिशन देखते वक्त कोई ऐसे इंसान को साइन किया होता जो मुझे लगता है लैला या मजनू के रोल में फिट नहीं हो रहा है बट इज़ अ बिग इंस्टाग्राम स्टार और अ स्टार किड एंड वुड सेल माय फिल्म, आई वुड नॉट बी हैप्पी इन द गट. ये दोनों ऑडिशन में बेस्ट निकले तो इनको रोल मिला, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं. Clearly it is a financial stress. But that's a far lesser stress than a stress of not being honest to your job. I've worked on films before this, but this is my first independent commercial feature film as a producer. As I said, I've learned a lot in this journey as a producer, and Ekta has shown really great faith on this story. More faith than I have had on Laila Majnu, she's had on it. And I hope all of you will also like the film. Hi, hello. Ekta, towards your left. Hi, Priyanka from Indian Express. Ekta, you know, it's not easy to tell the same story again. You know, a story which has been so iconic. And same is happening on TV with your show coming back. You're telling your own story. But, you know, there has been criticism from the loyal fans of the first... You know, the original show. How are you dealing with it? And do you think it's a risk to tell the same story? Of course it's a risk. Of course it's a huge risk. But in a reboot, you play around with modern day, issues. I mean, clearly Prerna and Anurag are not going to be exactly how they were in the old. But that's the beauty. You take that risk. You don't take a risk is a bigger risk. And as far as this timeless classic goes, we have Imtiaz Ali, we have two great talents, we have a great producer, a superb director. We have a story that for a long time we hadn't heard in a time of rom-coms. We don't have a real heartbreaking love story for a long time. And especially something which is so and raw and rustic and based in Kashmir. I think I'm happiest going ahead with this journey. Like I said, I can't predict outcomes. I'm not God. I might be panned, criticized, slapped, hated, trolled. But at the end of it, I will do what I want to do. Right. Also, Imtiaz, you said that, you know, this story was on your mind from a long time. Could you tell us about that zone of yours which you were in when you were trying to write Laila Majnu, or you thought
And when was it? Had you started your career as a film director? Yes, I was around 10 years back, actually. I was making movies. And I was very fascinated. It was before Rockstar was made. And I was very fascinated by all of these stories, everybody is, especially Laila Majnu, because I was wondering why these people who were criticized, hated, stoned in their lives have the status of saints in Sufi vision. They are, what happened? You know, I was fascinated. And I was literally, for my own entertainment, sitting at night while I was working in the day, in front of the computer and writing scenes, because as a writer, I can only understand something better by writing it. So I was writing, so the purpose was just to write and understand and entertain myself by this journey. A lot of scenes got made, and 10 years later, this movie is out. Hello, Ekta ma'am. Ruchita here from Glamshan. Firstly, congratulations for the trailer. Hi, you I wanted to meet for a long time. Thanks. So all your shows are really doing well. Even the trailer is very nice. Kasauti is also coming. Congratulations for that. So what are the criteria that you see when a newcomer gives an audition? Because there are so many newcomers who want to. So this is a small message I want to call. I don't call them newcomers. I don't call them strugglers. I call them untapped talent. Mm-hmm. And what I'd like to say to them is, one, when we see an audition, at least I don't know how many people might blame me over many things, but this is the honest truth. When I see anybody's audition, it could be a child I found outside Jamia's like Moni, or it could be Prachi outside her college in Pune, or anybody we have launched till today, when I see the audition, or Smriti, we only notice how good or bad the actor is, if there's a vulnerability and if it fits the character. So to the young talents out there, do not stalk me, do not follow me, don't find my number, don't send me messages. Do not find me when I'm jogging, meet me in gyms. That's called stalking. But put yourself on tape. And if your tape reaches me, be rest assured, if you fit the role, you will be cast. Your legacy, your background will not matter. And do not get your friends, uncles, politician aunties, or family friends to call me. It'll be a dampener. All right, we'll just take one last question, right? Hi, Ekta Bhavna this side from Zee News. My take on nepotism is I don't do it. And I don't really agree with it being only the film industry's problem, because I think if you constantly build curiosity about star kids, they become great curiosity factors for film industry. So it's a whole world around there, and I think I'm not having a problem with it. I might take a different route, but that's my choice. I might take a route which may not be completely business friendly. I'll probably bundle a film that I believe in with 2-3 bigger films and probably make 2 more shows if it doesn't do well, so that the company doesn't suffer. But I will make that. I'll give back. You see, you clearly realize that I don't spend too much on clothes. I buy high street clothes. I don't have those. I don't buy high fashion ever. You'll never find me at a Gucci store. I give back where I get from. I got whatever I got from here, and this is my way of giving back. So, frankly, I personally can't answer about nepotism, but this is my way. Main unko ek hi tip dungi, just stay the way you are. Wo fantastic hai. वो सबसे अच्छी बच्ची है. मैंने अपनी लाइफ में इतने प्यारे इंसान के साथ काम नहीं किया है, और मेरे दिल से दुआ है कि दिस गर्ल विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड शाइंस लाइक गोल्ड ऑन स्क्रीन. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. आई एम श्योर. थैंक यू वेरी मच. बोलो ऑलराइट, सो वी हैव टू रैप दिस अप. I'm sure you're going to support the new cast over here and the fresh pairing. Thank you.
producers.